हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 का जो है गणित है, ठीक है, मैथ है, प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। तो इसमें कह रहा है, पहला कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पे इसका जो है देखिएगा उत्तर, यहाँ पे लिखिएगा हल हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे 0/1 कीजिएगा तो बराबर 0 ही होगा, ठीक है। और दूसरा सवाल जो पूछ रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो चलिए यहाँ पे जो 3 लिखा है, इस साइड जो 3 लिख दीजिएगा, ठीक है। और इधर 4 पूछा है, 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा। परिमेय संख्या निकालने के लिए यहाँ पे जो 6 दिया है, ठीक है, 6 परिमेय संख्या पूछा है, इसमें 1 जोड़ देना है, ठीक है। तो 7 हो जाएगा, 7/60 कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है अगर 5 रहता तो 5 परिमेय संख्या निकालना पूछता, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 5, ठीक है, आप +1 कर दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार जो है परिमेय संख्या निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है इसी तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद से इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 7 × 21, ठीक है, 100/7, 4 × 7 = 28/7, ठीक है। और 21/7 और 28/7 के बीच में जो है कितना परिमेय संख्या है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ठीक है। चलिए उसी प्रकार जो है इसमें जो तीसरा कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे, केवल इसमें अंतर है, यहाँ पे बटा में दे दिया है। 5 परिमेय कह रहा है तो 5 + 1 जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसी प्रकार जो है गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा कीजिएगा, 3/5 × 6/6, उसके बाद 4/5 दिया है, 4/5 × 6/6, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे, ठीक है, 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, ठीक है, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 18/30 और 24/30 के बीच में जो है कितनी परिमेय संख्या है, 19/30, ठीक है, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे चौथा जो कह रहा है, चौथा प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। पहला कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर कथन होगा सत्य, पूर्ण संख्या बराबर प्राकृत संख्या +0, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, इसका कथन जो है असत्य है, क्योंकि पूर्णांक बराबर पूर्ण संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या, ठीक है। तीसरा कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य, इसका कथन है, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर पूर्ण संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या प्लस भिन्न संख्या, ठीक है। तो यह जो चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।